है। बच्चों यही वो भाग है जिसमें निबंध का विषय सबसे ज्यादा संपूर्ण रूप से आता है। नंबर थ्री, उपसंहार यानी कि कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, अंतिम पहरा, निबंध में सबसे अंतिम पैसेज, संक्षिप्त सार। इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमने प्रस्तावना और मध्य भाग में लिखा है उन सबको एक शॉर्ट पैराग्राफ में उपसंहार में लिखते हैं। इसमें आप अपने विचारों को भी दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे निबंध लिखते समय याद रखने योग्य बातें। नंबर एक, भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं निबंध को लिखने में, वो भाषा एकदम स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए। नंबर टू, किसी भी निबंध की रचना करने से पूर्व संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जब तक हमें किसी विषय की जानकारी ही नहीं होगी, तो हम उस पर अपने विचार कैसे दे पाएंगे? इसलिए जो भी विषय है निबंध का, उससे संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। मीन्स कि मन में विचारों का होना अति आवश्यक है। नंबर तीन, निबंध के बीच बीच में प्रसिद्ध कवियों व महापुरुषों के कथनों को शामिल करना चाहिए। अब आपने बच्चों देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निबंध के बीच बीच में कुछ कवियों की कही हुई बात, कुछ उनकी पंक्तियां लिखते हैं। इससे क्या होता है, निबंध और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो हमको अच्छा निबंध लिखते टाइम ये सब बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शीर्षकों को रेखांकित करें। जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको रेखांकित करना चाहिए। नेक्स्ट, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उतने ही शब्दों में लिखना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के निबंध नहीं लिखना चाहिए।